इतनी स्लिम बॉडी है यार इसकी, इतनी स्लिम कि मेरे हाथ से जाने लगा था। ये लैपटॉप आप क्लिक करने के बाद जस्ट 3 सेकंड्स के अंदर आपके सामने जो है ना मेन पेज होगा। लैपटॉप इसके अंदर USB-C चार्जर है, ठीक है, जैसे सी टाइप है ये। जी, इसकी सी टाइप है जैसे HP के। और शेप्स में के मालिक ये, हाँ। अगर आप यहाँ से लैपटॉप बाय करते हैं, क्योंकि ये चाइनीज में लैपटॉप होंगे तो ये आपको इंग्लिश विंडो फ्री में करके देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको इंग्लिश अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जी जफ़र और आप देख रहे हैं जफ़र खान व्लॉग चैनल फ्रॉम चाइना से। तो गाइस आज आपके जो हैं दिल के अरमान पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आप ये चाह रहे थे कि हम चाइना के अंदर हैं तो लैपटॉप के ऊपर जो है वीडियो बनाएं। इससे पहले आपने हमसे कहा था कि आप जी आईफोन के ऊपर वीडियो बनाएं, तो हमने वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छी वीडियो गई, आपने जो अच्छा जो है हमें रिस्पॉन्स दिया। आप वीडियो बना रहे हैं जी लैपटॉप के ऊपर, तो हम जा रहे हैं जी लैपटॉप की मार्केट में, वहाँ पर आपके साथ जाके मॉडल शेयर करेंगे, सेकेंड हैंड की क्या प्राइस है और न्यू की क्या प्राइस है, कौन कौन से मॉडल हैं, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके दिल के अरमान इसी वीडियो से हम पूरे करने वाले हैं। तो लेट्स गो टू द लैपटॉप मार्केट। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं जी मार्केट में। मेरे सामने देख सकते हैं HP का लोगो है, लिनोवो है और यहाँ पे है जी डेल। मार्केट जो है इस वक्त जहाँ पे हर तरफ जो है ना मेरी चारों तरफ लैपटॉप ही लैपटॉप हैं, सिस्टम्स हैं और इनके पास प्रिंटर हैं। यहाँ पे देखें आप, काफ़ी बड़ी जो है ना मार्केट है। सेकेंड हैंड भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे और अगर आपने न्यू बाई करने हैं तो वो भी इनके पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम विज़िट करेंगे जी HP शॉप को। देखें यहाँ पे HP है, ठीक है ना। इनकी शॉप का जो नेम है वो है जी, देखें B209, ठीक है ना, B209 ये शॉप नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। सो आज हमारे पास यहाँ पे दो लैपटॉप्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं। ये हमारे पास HP का पवेलियन सीरीज़ है और साथ दूसरा है हमारे पास HP का स्टार बुक 14। तो ये दोनों ही न्यू लैपटॉप हैं, रिसेंटली लॉन्च हैं। सो इन लैपटॉप की अब स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू HP इनके अंदर, इसके अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क है SSD, ठीक है, और 16 GB रैम है, 8 GB का इंटेल का जो है ना आयरिस का GPU लगा हुआ है। इसके अलावा इसका डिस्प्ले जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप ये चेक करें तो बहुत ज़्यादा थिन डिस्प्ले है और तकरीबन 14 इंच का इसका डिस्प्ले है। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस है 5,399 RMB, जबकि ये जो है ये भी, इसका डिस्प्ले भी सेम है और हर चीज़ इसकी सेम है। और ये है कोर i7, ये है इंटेल का कोर i5, बट इसकी प्राइस जो है, जो बुक 14 है इसकी प्राइस है 4,700 something। क्यों, ये दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोर i5 जो है ना वो कोर i7 से महंगा, कोर i5 से महंगा होता है, लेकिन ये सस्ता इसलिए है क्योंकि जो बुक 14 है ये थोड़ा सा क्वालिटी कह लें या कह लें कि उस लेवल का ये नहीं है लैपटॉप जिस लेवल का ये लैपटॉप है। यानी आप ये कह रहे हैं कि i7 जो है इसकी प्राइस एज कम्पेयर टू i5 के कम है? जी कम है, क्योंकि i5 में फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। नो, क्योंकि इनकी जो सीरीज है ना वो सेम नहीं है। इसका जो कोर i5 का अगर मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 5,399 RMB है, तो इसका अगर कोर i7 होगा तो वो डेफिनेटली 5,700 और मे बी 6,000 का हो, क्योंकि कोर i7 को कोर i5 से महंगा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोर i7 इसलिए सस्ता है क्योंकि ये दोनों सेम सीरीज नहीं है। ये है स्टार बुक सीरीज और ये है पवेलियन सीरीज। सीरीज जो है सेम नहीं है, इसी वजह से प्राइस का फर्क है। सीरीज सेम नहीं है। और ये हमारे इधर हैं दुकान के मालिक, ये अगर आप यहाँ से लैपटॉप बाय करते हैं, क्योंकि ये चाइनीज में लैपटॉप होंगे तो ये आपको इंग्लिश विंडो फ्री में करके देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको इंग्लिश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप इनके यहाँ से लैपटॉप बाय करते हैं। लैपटॉप इसके अंदर USB-C चार्जर है, ठीक है, जैसे सी टाइप है ये। इसकी सी टाइप है जैसे HP के नॉर्मल चार्जर, नॉर्मल लैपटॉप होते हैं ना उनके अंदर वो चार्जर बड़े वाले या राउंड शेप चार्जर, वो वाला नहीं है, इसमें USB-C टाइप चार्जर है। और जबकि इसके अंदर वही i7 में जी आई जो है ये स्टार बुक सीरीज
सीरीज, इसके अंदर पुराने वाला ही वो गोल टाइप की चिप है, गोल टाइप का इसका चार्जर है. सो इनके अंदर ये भी मेन डिफरेंस है. एक बार उतार के दिखा दें तो जी. अगर मैं आपको उतार के दिखाऊं तो ये इसकी है USB टाइप सी. टाइप सी है ये जी. आपको बैक साइड से ये और नीचे से बहुत ही अच्छा एक यूनिक ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप भी है ये. और हाई इसके ग्राफिक्स और स्पेक्स इसके बहुत हाई हैं, तो बहुत अच्छा यूज हो सकता है ये. ये इसको चार्जिंग पे लगा दिया. अब ये है, ये जो है ओल्ड है, जैसे अच्छा इसकी पुराने वाले जैसे पुराना स्टाइल है, पुरानी स्टाइल है ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसकी कम है चार्जिंग. ये भी अच्छा लुक वाइज है ना जी, स्लिम है. जी डेल, जहाँ पे एचपी की बात हो, डेल की बात ना हो तो मज़ा नहीं आता. तो देखें आप यहाँ पे जो सामने डेल वालों ने जो डिस्प्ले किए हुए हैं ना, ये जो है ना हाई टॉप मोस्ट हाई क्वालिटी के लैपटॉप हैं जो बड़ी बड़ी जो है ना कंपनियों के अंदर जो है ना इस्तेमाल होते हैं. अब देखें इस 6899 है, यानी ये ऑलमोस्ट 7000 RMB का ये है लैपटॉप है. ये ना टॉप यानी जो मोस्ट अपना बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना उनके बॉसेज इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पे आए तो यहाँ पे हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, ठीक है ना. और ये जो लैपटॉप्स हैं ये जो हैं स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ आपने जो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करने होते हैं लैपटॉप्स के अंदर, गेमिंग खेलनी होती हैं, तो ये सारे जो है ना ये स्टूडेंट्स की ना रेंज में आते हैं सारे. और हैं भी जो है न्यू हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है न्यू. तो हमारे साथ है सनी दोबारा. सनी हमें इसका जो है रिव्यू देगा. ये बस इनमें ये चेंज है कि ये डेल के हैं, जो हमने पहले देखा वो HP का है, बाकी इसमें सब चेंज है. इंटेल कोर i5 है और इसके अंदर ग्राफिक भी जो है वो इंटेल का आयरिस का लगा हुआ है, ठीक है. उसके अलावा इसका अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो 16 GB इसके अंदर रैम है, ठीक है. सेम इसके अंदर 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है. और नॉर्मल वही 14 इंच की इसकी स्क्रीन है. 14 इंच का जी. ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है. इसका आप फ्रंट बैक साइड वगैरह सब कुछ देख लें तो बहुत अच्छा एक लैपटॉप है. कितने का ये? ये लैपटॉप जो है ना आपको पड़ जाएगा, ठीक है, 2 दिस वन इज फॉर 4750 RMB, 4750 यूआन का ये वाला जी. और ठीक है, ये i5 है ना जी? ये और i5 दिस वन इज, ये है 5299 यूआन का, 5299 यूआन का. ये भी कोर i5 ही है, ठीक है. और सारा इसके अंदर सेम है. फिर वही फर्क आ जाता है कि इसका और इसका जो है ना सीरीज का डिफरेंस है. तो ये भी मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, डाउन साइड से दिखा देता हूँ. और ये इंस्पीरियंस का जो है ना वो सीरीज का होगा. तो ये इसका बिल्कुल ये भी हल्के हल्के स्लिम है जी, वो स्लिम लैपटॉप है. इसके अलावा इसके अंदर भी जो है वो सी टाइप है या नहीं? नो, इसके अंदर वो वही राउंड वाला है. इसके अंदर भी जो है वो वही है, गोल वाला चार्जर. पुराने ट्रेडिशनल चार्जर्स है ना लैपटॉप के, वही लगते हैं. और जानकारी भी यहाँ पे खत्म होता है. करते हैं जी लिनोवो की. यार कमाल इनके पास पड़े हैं, आप देखें यार जबरदस्त इनके जो है ना, इनका डिस्प्ले जो है ना वो कमाल का है, लग्जरी स्टाइल का इनका जो है ना डिस्प्ले है. देखें आप, छोटी सी जो है ना शॉप है, लेकिन इनका जो है ना डिस्प्ले करने का अंदाज जो है ना वो मार गया है हमें भाई, जबरदस्त. तो अब यहाँ पे गाइस मैंने बोला कि HP को छोड़ दो, डेल को छोड़ दो, लिनोवो को देखने का जो मजा आया ना, मैं सोच रहा हूँ बस मैं अपना लैपटॉप चेंज कर लूँ अभी. आए मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले तो आप इसकी बॉडी देखें, बस सिर्फ इसकी बॉडी देखें, क्या मस्त लुक है. इतनी स्लिम बॉडी है यार इसकी, इतनी स्लिम कि मेरे हाथ से जाने लगा था. और इसके अंदर भी टाइप सी चार्जर है. अच्छा, टाइप सी है इसमें जी. और बहुत ब्यूटीफुल बॉडी है इसकी, ये देखें, बहुत स्लिम बॉडी है इसकी. कमाल लुक है यार इसकी, है ना. और उसके अलावा बहुत अच्छी चीज इसके अंदर ये कि ये टच है, ठीक है. ये है टच, जो टच है ये जी, ये टच है. 28 GB इसके अंदर जो है वो इसका है रैम, 28 GB इसके अंदर रैम है, ठीक है.
और इसके अंदर AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है, AMD का प्रोसेसर है। GPU, AMD का GPU है और रैम इसकी है 28 GB। क्योंकि इतना हैवी लैपटॉप है सो जाहिर बात है थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पेक्स हैं। इवन कि इसके अंदर DDR5 है। अब कुछ लोगों को शायद DDR नहीं पता होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये लैपटॉप आप क्लिक करने के बाद जस्ट 3 सेकेंड्स के अंदर आपके सामने जो है ना मेन पेज होगा। जैसे होता है ना, हम लैपटॉप ऑन करते हैं या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो प्रोसेसिंग करता रहता है, हम बैठते हैं कुछ मिनट्स के बाद फिर वो हमें मेन पेज शो होता है या इसके प्रोसेसिंग शुरू होती है। तो ये जस्ट क्लिक करने के बाद आपको 3 सेकंड के अंदर अंदर पूरा आपके सामने मेन पेज आ जाएगा, ठीक है, होम पेज इसको कहते हैं। DDR5 लगा हुआ है इसके अंदर, 1 TB SSD है इसके अंदर, 28 GB इसका रैम है और 16 GB इसके अंदर GPU है और बहुत हैवी इसके स्पेक्स हैं। और सिर्फ 6500 युआन का है, 6500 युआन का, क्योंकि इतने महंगे हैं। इसके अंदर एक्चुअली जो है ना 32 GB का, यहाँ पे अगर आप दिखाएं तो इसके अंदर एक्चुअली जो है ना 32 GB का की रैम लगी हुई है, लेकिन उसको कहते हैं कि वो कंफर्म नहीं है, मतलब कि वो होती है बिल्कुल 32 की नहीं होती, वो तकरीबन 28 तक की कंफर्म यूज हो सकती है, इसलिए मैंने आपको 28 की बोला है। इसके अंदर 32 GB की रैम लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी, ठीक है। और दूसरा इसके साथ का एक और, ठीक है, इंटेल ईवो i5, ठीक है, इसका नाम है, ये भी टच है, ठीक है। बॉडी इसकी भी मतलब के हाई गर्मी वाली है, बहुत प्यारी बॉडी है इसकी और कलर में बहुत ज़्यादा बेटर है। टाइप सी का इसके अंदर चार्जर लगा हुआ है। अगर आप इसकी बात करें रैम की तो 16 GB है, बेसिकली 18 GB इन्होंने रैम इधर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन 16 GB तक कंफर्म रैम है इसकी मतलब के। और उसके अलावा बाकी के इसके सारे उस लैपटॉप के साथ सेम है। 1 TB का इसका हार्ड है, SSD और टच है। इसके अलावा एनवीडिया का इसके अंदर लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड 16 GB का। और ये वाला लैपटॉप जो है उस लैपटॉप से भी ज़्यादा महंगा है, ये लैपटॉप ये लैपटॉप जो है इससे महंगा है, जी हालांकि लुक वाइज ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली इसके अंदर जो है ना वो ग्राफिक कार्ड हाई लगा हुआ है और इसका डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छा वाला, और दोनों के डिस्प्ले, शायद मैं उसका नहीं बता पाया, दोनों के डिस्प्ले 14 इंचज के हैं। ये ऑलमोस्ट आपको 7000 के करीब पड़ जाएगा, कुछ 100s का फर्क है, तो ये तो ऑलमोस्ट 7000 के करीब पड़ेगा, वो आपको 6500 का, यानी वो 6500 RMB का और ये 7000 RMB का, 500 RMB का फर्क है सिर्फ, है ना, क्योंकि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 18-19 हज़ार का। टच है और इसका मजे का टच, लिनोवो आज HP और डेल से जीत गया उनके न्यू मॉडल से। और यही सब सारा था इन सब लैपटॉप्स का इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।